पहले मन शैतान ही समझो करता था, अब इधर मोहेश्वर को कैसे आया भगवान, कैसे आया वो तो बताओ ना, मन आया ना, सुनता है ना अभी, अब मन जाता है बाहर, घर में जाता है, लखनऊ में जाता है, दिल्ली में जाता है, कहाँ जाता है, तो देखो मन अच्छा हुआ ना, पर तुमने पहले ही मन को गलत रास्ते में देखे थे, तब भूले मार्ग जिसने बतलाया ऐसा गुरु बतावानी, हम सब पहले भूले पड़े थे, गुरु ने कान से करके इधर बिठा दिया मन को, मन तू कहाँ जाएगा अब, तो क्यों अंदर में होता है, तो मैं सत्संग करूँ या कुछ मेरी मेरे को नहीं करने का है, ये बात समझना, सबके मन में जो भी अज्ञानी मूर्ख है उसको भी ऐसा है, कुछ मेरे को मतलब कुछ करने का है, कोई काम दुनिया में कोई कुछ करने का है, फिर लोग बोलेगा अच्छा गुरु किया है तुमने, तुमको गुरु करना चाहिए, गुरु जी इतने करने का है, तो अब कभी नहीं गुरु करना, जिद करना मेरे गुरु आके मेरे को ढूंढे, मैं क्यों गुरु के पास जाऊँ, बाप पिता अपने बालक से बिछड़ कर सुख से कभी नहीं सुन सकता, ये सच्चा पिता होगा तो तेरे सवाल कैसे किएगा, तो तेरे कह के ढूंढेगा, तो तू जब भी बोलेगा ना बस तू आके मेरे को मिला है, तू आके मेरे को जगा है, खुद आना खुद आए ना, हम क्यों ढूंढने जाए, तो हमारा गलत घूम करके आएगा, स्टूडेंट मास्टर को कैसे जानेगा, स्टूडेंट मास्टर को जानेगा, ये मास्टर परफेक्ट है, मास्टर जान सकता है ये मेरा जगह से हो सकता है, ये सीख सकता है, ये जान सकता है, पर स्टूडेंट वो क्या जानेगा, तो स्टूडेंट जो है ना वो गुरु न करे पर ऐसी कोई बताए कोई बात, तो जल्दी अंदर में फिट हो गए, वही हो खुदा जिसमें तेरी खुशी, वही हो खुदा जिसमें तेरी खुशी, तो तू ऐसी खुशी कर, तू ये न कर तो फलाना मेरे माँ ने जो गुरु किया वो मेरा गुरु होगा, मेरे पति ने जो गुरु किया वो मेरा होगा, नहीं तुम्हारे को जब खुशी आए आनंद आए जिसमें ले हुए आनंद सो सतगुरु, और मन की दुविधा मिट जाए, मन में जो संकला विकला द्वेष द्वेष जो कुछ भी मन में आता है वो शांत हो जाए, वो मन शांत हो जाए, तो मन जो स्वरूप मन वही मन शैतानी करता था, वही मन वाले वापस सत्संग में क्यों आता है, भक्ति भी करता है, प्यार भी करता है, सेवा भी करता है, कभी कभी मन से मन में दया भी आती है, तो क्यों आती है, तो जीत थोड़ी अरब ऐसा पत्थर थोड़ी है मन, पर हमने उसको राग रस्ते में घुमाया फिराया, अभी तू तक आए तभी इस घर में आया, पहले कोई बोले किसको तो चल चल सत्संग में, छोड़ो छोड़ो अभी तो पिक्चर में जाना है, सत्संग में जाना है, सत्संग में जो पापी लोग जाते हैं ऐसे थोड़ी जाते हैं, हम तो ठहरो तो सही पहले ये काम तो करें, तो सबकी इंटरेस्ट सत्संग में नहीं होती, किसी भाग वाले की इंटरेस्ट उसके सत्संग, क्योंकि मन श्रेय उल्लू उसको ना काला पन अच्छा लगता है, जैसे उल्लू को डार्कनेस अच्छी लगेगी, कभी उसको सूरज निकलेगा तो उल्लू को अंधेरा पना, उसको टॉर्च अच्छी नहीं लगेगी, उल्लू को डार्कनेस, ऐसे मन से कई उल्लू जैसे दुनिया में फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, चल रहे हैं, पर कोई टाइम आएगा जो ये पछताए, तो हमको पछताना न पड़े इसीलिए हमको सब कुछ एंड देखने की है, जहाँ दुनिया की एंड हो गई सब सुखों की भगवान की बिगनिंग होना चाहिए, ये हम दुनिया की डार्कनेस देखते हैं, ये भी सुख देखा वो भी सुख देखा सब सुख देखा पर मेरे को शांति नहीं है, अभी क्या मन को बाकी मेरे को चाहिए, तो ये है भगवान की बिगनिंग, आप सत्संग में जाएगा सतवार्ता सुनेगा तो जे किधर का कान जूठा भी गुरु मिला, पर कभी परखत होगी ना अंदर में, तो उधर मेरे को ये नहीं मिला, उधर ये नहीं मिला, इधर ये मिला, तो भी कुछ तुम नहीं गवाएगा, आप समझना, जब तुमको सच की जरूरत होगी तो कान से भी तुमको सच मिलेगा, पर भले पहले घुमा फिरो उसमें क्या हुआ, कहाँ भी घुमा फिरा खराबी क्या हुई, कोई खराबी ऐसे ही समझो, तो खराबी का किसका कुछ जाएगा नहीं, पेन चेल आज रेडी तो गुरु दे, और पेन इज हाइएस्ट गॉड इज नाइस, जब पेन बढ़ जाता है अंदर में प्यास है तो भगवान खुद ही तेरे घर में चले आए, जरूर आएगा, भगवान को यही काम है, भगवान को करुणा होती है दया नहीं, तुम दया करते हो दूसरे पर, करुणा होती है प्यार, तो ये भी मेरा रूप है, ये भी मेरा रूप है, तो इधर जागा है तो इधर भी जागे ना, इधर जागे इधर सोए क्यों, तो जो उसके सामने आएगा ना तो वो जो पैगंबर है वो लव योर नेबर,
लेबर माना पड़ोसी नहीं मिलते मैं ढूंढूंगा, लेबर माना जो मेरे सामने आएगा संपर्क में आएगा उसको हम बोलेगा अरे तू कौन है मैं कौन हूँ। तो शेर का बच्चा शेर ही होता है, सोना का सिक्का सोना ही होता है। तो तुम सब सोने थे पर गए तू उधर, सुरेश के भजन बोलता है गया अजगे तो अजीबन बचा।